गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम वोकैबुलरी में वर्ब्स एक बार रिवाइज करेंगे और राइट करेंगे नोटबुक में। रिवाइज करेंगे एंड नोटबुक में राइट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन एस डब्ल्यू ई आर आंसर, उत्तर देना। A S K ask, पूछना। B A T H E bathe, नहाना। B E G I N begin, शुरू करना। B L O W blow, हवा का बहना। B R E A T H E breathe, सांस लेना। B R I N G bring, लाना। B R U S H brush, brush करना। B U buy, buy खरीदना। C A double L call, पुकारना। C A R R Y carry, ढोना। C A T C H catch, पकड़ना। C E L E B R A T E celebrate, उत्सव मनाना। C H A N G E change, बदलना। C L E A N clean, साफ करना। C L O S E close, बंद करना। C O L O U R color, रंग भरना। C O M B com, कंघी करना। C O M E come, आना। C O M P L E T E complete, पूरा करना। सभी बच्चों को वर्ब 1 to 20 कॉपी पर नोट करनी है। चलिए अब हम ट्रांसलेशन पर आ जाते हैं। ट्रांसलेशन, पहले आप सब डेट डाल लीजिएगा, ऊपर होमवर्क डाल लीजिएगा। अब हम करेंगे मेक हिंदी। हमें इसकी क्या करना है, हिंदी बनानी है। इन सेंटेंस की हमें हिंदी बनानी है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए क्रैब। दिस इज ए क्रैब। दिस मीन्स यह, इस मीन्स है, ए मीन्स एक, क्रैब मीन्स केकड़ा। तो पहले हम दिस की मीनिंग लगाएंगे। दिस इज, मैंने आपको बताया था दिस इज, तो यह है, तो यहाँ लगाएंगे हम दिस की मीनिंग। यह, फिर आ जाएंगे हम ए क्रैब, एक केकड़ा। तो एक एक केकड़ा, केकड़ा इट मीन्स है, तो है लास्ट में लगाते हैं हम। ठीक है बच्चों, और राम। दिस इज ए क्रैब, यह एक केकड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दिस इज एन एप्रिकॉट। दैट इसकी मीनिंग वह है, तो दैट की मीनिंग क्या लगाएंगे, वह। और इस तो पता है आपको, लास्ट में लगाना है एन एप्रिकॉट। एन की मीनिंग एक, एप्रिकॉट की मीनिंग खुबानी, एक
वहाँ एक खुबानी, खु बा नी, खुबानी इसकी मीनिंग है, तो है लगा देंगे यहाँ पूर्ण विराम। इस इज ए मंकी, दिस इसकी मीनिंग यहाँ है, तो इसकी मीनिंग लगाएंगे यहाँ, और है तो पता है आपको लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है, छोड़ देंगे अभी। ए मंकी, ए मीन्स ए, मंकी मीन्स बंदर, एक मंकी बंदर, बंदर बंदर इसकी है, पूर्ण विराम। दिस इज ए मंकी, या एक बंदर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज एन अनियन, दैट इज की मीनिंग वह है, दैट की पहले लगाएंगे वह, इसकी आप लास्ट में लगाओगे, एन अनियन एक प्याज, एक प्याज को याज इस है, पूर्ण विराम। दैट इज एन अनियन, वह एक प्याज है। नेक्स्ट, दिस इज ए कैरट, दिस इसकी मीनिंग क्या लगाएंगे, दिस इसकी मीनिंग क्या लगाएंगे, यह है, दिस की मीनिंग लगाएंगे यह, और है कि तो पता है आपको लास्ट में लगा, इसकी लास्ट में लगाते हैं तो लास्ट में लगाएंगे। एक कैरेट मीन्स गाजर, एक गाजर, एक एक गाजर, गाजर इज मीन्स है, पूर्ण विराम। दिस इज ए कैरेट, यह ए गाजर है। आप सभी बच्चों को वर्ब्स एंड ट्रांसलेशन सेंटेंसेस आपको नोटबुक में राइट करना है, और वो भी नीट एंड क्लीन राइटिंग में। ओके बेटा, टिल देन बाय।